जम्मू कश्मीर के साथ जिला चंबा के लूणी उपमंडल के साथ सटे संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे आईआरबी जवान की ग्लेशियर में पांव फिसलने से मौत हो गई व बीच बचाव के लिए आया दूसरा जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक जवान की पहचान नवीन कुमार निवासी पालमपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जिला चंबा के उपमंडल सिलूणी के अधीन संवेदनशील सेक्टर किहार के बर्फीले सीमांत क्षेत्र संघड़ी में तैनात आईआरबी की सुरक्षा चौकी थती के जवान पेट्रोलिंग पर निकले थे। इन जवानों में मुख्य आरक्षी किशोरीलाल के नेतृत्व में आरक्षी नवीन कुमार व आरक्षी अरुण कुमार तथा आरक्षी मोहित कुमार शामिल थे। पेट्रोलिंग के दौरान अचानक आरक्षी अरुण कुमार का पांव फिसल गया और वह खाई में जा फंसा। उसे बचाने के लिए अन्य जवान आरक्षी नवीन कुमार ने छलांग लगाई, लेकिन अनियंत्रित होकर वह काफी दूर जा गिरा। घटना में उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में अरुण कुमार व मोहित कुमार घायल हो गए। घायल अरुण सिरमौर का रहने वाला है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके के लिए रवाना हो गया। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर वीर बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक जवान के शव का पोस्टमार्टम कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश चार्टर्ड ब्रांच द्वारा टैरिफ सॉल्यूशन के सौजन्य से जीएसटी को लेकर हमीरपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आयकर अधिवक्ता, व्यापारी वर्ग और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। सेमिनार में उत्तर भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीएल विशाल गर्ग ने बतौर विशेषज्ञ भाग लिया। कर विशेषज्ञों को जीएसटी से जुड़ी सही जानकारियां देने तथा उनके मन में उठ रही कई प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों, रिटर्न्स तथा नियमों को विस्तार पूर्वक समझाया गया तथा विशेषज्ञों द्वारा उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। इस अवसर पर ज्ञान कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजेश आनंद ने बताया कि विश्व के 160 देशों में जीएसटी पहले से ही लागू है। उन्होंने बताया कि विश्व के लगभग सभी देशों में एक ही रेट जीएसटी पर लागू है, लेकिन भारत में विभिन्न कारणों से 5 प्रकार के रेट विभिन्न मदों में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि करों के सरलीकरण को लेकर सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक प्रकार की बिक्री या सेवा केवल सेवा कर के दायरे में होगी, जिससे लोगों को टैक्स को समझना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को भी लाभ होगा तथा सरकार के भी टैक्स में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 90% हाजिर दर्ज करने पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने को अब अफसरशाही भी गंभीर हो गई है। बीते 47 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को प्रतिमाह महज 2 रुपए की छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। गर्ल्स अटेंडेंस स्कॉलरशिप को सालाना 20 रुपए की जगह 300 रुपए करने की मांग की गई है। संभावित है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस साल के बजट भाषण में इस राशि को बढ़ाने के लिए घोषणा कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने राशि में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पहली से पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली उन लड़कियों को सरकार सालाना 20 रुपए की छात्रवृत्ति देती है, जिनकी कक्षा में हाजिर 90% से अधिक हो। इस राशि को बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को भेजा है। वित्त महकमे के पास इन दिनों इस प्रस्ताव की फाइल पड़ी हुई है। वित्त महकमे ने प्रस्ताव को अगर हरी झंडी दे दी तो हजारों छात्राओं के साथ बीते 47 साल से हुरा मजाक आखिरकार खत्म होगा। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने लाहौर स्पीति पैटर्न स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जिला के पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को सालाना 80 रुपए दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को भी बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। आज आपको एक ऐसे जुनूनी डॉक्टर से मिलाते हैं जिनका जुनून मरीजों का इलाज करने से ज्यादा पर्यावरण को बचाना है। मंडी शहर के डॉक्टर उदय शंकर पेशे से तो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, लेकिन जुनून साइकिल पर यात्रा करने का है। मंडी से कन्याकुमारी तक की दूरी डॉक्टर साहब ने साइकिल से ही पूरी कर डाली। देखिए इस रिपोर्ट में। मंडी शहर के पुरानी मंडी निवासी 33 वर्षीय डॉक्टर उदय शंकर ने मंडी से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा करके एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने अपना यह अभियान कन्याकुमारी से भी 246 किलोमीटर आगे मदुरई में जाकर पूरा किया। डॉक्टर उदय शंकर पेशे से आयुर्वेदा चिकित्सक हैं और उनमें साइकिलिंग का जुनून है। डॉक्टर उदय शंकर ने बताया कि 10 दिसंबर 2016 को उन्होंने मंडी से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और 24 जनवरी 2017 को वह कन्याकुमारी और उसके बाद मदुरई पहुंचे। लगभग 4260 किलोमीटर लंबी यात्रा में उन्होंने 12 राज्यों से होकर यह सफर पूरा किया। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल है। डॉक्टर शंकर ने बताया कि वह हर रोज 100 से 155 किलोमीटर तक का सफर तय करते रहे।
इस यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए डॉक्टर उदय शंकर ने बताया कि ज्यादा सफर देश के तटीय क्षेत्र का रहा है, जहां पर बेहद गर्मी, उमस, सनबर्न व चमड़ी झुलसा देने वाले वातावरण रहा। इसके बावजूद इस क्षेत्र के लोगों का बेहद प्यार व सहयोग मिला, जो हमेशा याद रहेगा। इससे पहले भी डॉक्टर उदय शंकर मंडी से लेह तक 600 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं, जबकि कारगिल से मंडी तक 820 किलोमीटर की यात्रा भी उन्होंने साइकिल से की है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग पर फौतुला, नाकिला, लेह मार्ग पर तंगलुंगला, लांगचुंगला और रोहतांग दर्रा भी साइकिल से नापा है। स्कूटी व बाइक के शौकीन आज के युवाओं को डॉक्टर उदय शंकर से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो साइकिलिंग को अपना जुनून बनाए हुए हैं। डॉक्टर उदय शंकर अब देश के 4 महानगरों को साइकिल से नापने की योजना बना रहे हैं। डॉक्टर उदय शंकर के बराबर साइकिल से यात्रा करने वाला शायद ही कोई और प्रदेश में हो। प्रदेश सरकार को भी ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, ताकि बाकी युवाओं को भी प्रेरणा मिले और उनमें भी साइकिल के प्रति अधिक से अधिक रुझान बढ़ सके। सुंदरनगर के पुराना बाजार में आधी रात को शरारती तत्वों ने करीब एक दर्जन कारों के शीशे तोड़ डाले हैं। सुबह के समय सैर को निकले स्थानीय लोगों ने एक के बाद एक कारों के टूटे हुए शीशे देखे तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद जांच शुरू की। इस घटनाक्रम से लोगों में भारी रोष है। सुंदरनगर में पिछले कुछ समय से शरारती तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद तोड़फोड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ताजा घटना में सुंदरनगर की बीएसएल कॉलोनी थाना से मात्र 200 मीटर दूरी पर शरारती तत्वों ने तकरीबन एक दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ डाले। इनमें एक क्रूज, 2 स्विफ्ट, मारुति 800, मारुति वैन, i20, इंडिगो आदि वाहन शामिल है। इस वारदात को देर रात को अंजाम दिया गया। इन वाहनों को स्वाड मोहल्ला व पुराना बाजार रोड पर तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना का पता उन्हें सुबह ही चला है, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर लोगों के बयान कलमबद्ध कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि पहले भी सुंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की विभिन्न घटनाएं घट चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अधिकतर मामलों में खाली रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ शरारती तत्वों को पकड़ने की मांग की है। मंडी स्थित SR विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5वीं जीनियस सर्च परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा परिणाम आने के बाद टॉप 15 स्टूडेंट्स को इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि SR विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पिछले 4 सालों से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मंडी स्थित SR विद्या मंदिर लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बच्चों के ज्ञान को जानने और तराशने का एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर पिछले 4 सालों से जीनियस सर्च परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 चरणों में करवाई गई थी। परीक्षा परिणाम के बाद रविवार को टॉप 15 स्टूडेंट्स को इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। MD दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस परीक्षा में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उन्होंने प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 5,000, द्वितीय को 3,000 और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 2,000 रुपए बतौर इनाम राशि प्रदान की। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ काउंसलिंग भी की गई, ताकि बच्चों को बेहतर गाइडलाइन प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से बच्चा ये जान पाएगा कि वह कौन सा रैंक हासिल कर सकता है। बता दें कि बच्चों के ज्ञान को जानने और तराशने के उद्देश्य से हर साल इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और हर साल इस परीक्षा में विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कहनवाल में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने भाग लेकर सुविधा का भरपूर लाभ उठाया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। रविवार को कहनवाल में स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के आयोजन के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चंपा ठाकुर ने बताया कि कैंप में जांच के अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हर पंचायत में इस तरह के कैंप का आयोजन होता रहना चाहिए, साथ ही इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया गया, ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। कैंप में गांव के लोगों ने भाग लेकर सुविधा का भरपूर लाभ उठाया। वार्ड नंबर 5 मनाली के पार्षद चमन कपूर द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान वन अधिकार समिति का गठन भी किया गया, जिसमें राजेंद्र पाल को सर्वसहमति से प्रधान बनाया गया।
मनाली के वार्ड नंबर 5 के पार्षद चमन कपूर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। तत्पश्चात वन अधिकार समिति का भी गठन किया गया, जिसमें राजेंद्र पाल को सर समिति से प्रधान बनाया गया। वार्ड नंबर 5 के पार्षद चमन कपूर ने कहा कि यह समिति लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगी। उन्होंने मनाली के बस स्टैंड को भी स्थानांतरित करके पार्किंग और कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर समिति के नवनियुक्त प्रधान राजेंद्र पाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।